दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोमैक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और रियलमी एक्स जो है लॉन्च हो गया है चाइना में एंड प्राइस जो है इसके बहुत अच्छे हैं जिस हिसाब से आया है। इसका 4GB 64GB जो है वो 15,000 का है, 6GB 64GB जो है वो 16,000 का है एंड 8GB 128GB जो है दोस्तों वो आता है 18,000 के आसपास। और इस प्राइस पे अगर इंडिया में लॉन्च होता है, क्योंकि वहाँ पे युआन में लॉन्च होता है, कन्वर्ट करोगे तो आसपास यही प्राइसिंग रहती है, और अगर ये इंडिया में इस प्राइस पे लॉन्च होता है तो सच में धमाल मचाएगा, क्योंकि इसके स्पेक्स जो हैं दोस्तों बहुत कमाल के हैं। जल्दी हो सकता है इसी महीने मई एंड से पहले ये इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। इसके साथ साथ रियलमी एक्स लाइट भी लॉन्च हुआ, जो कि इंडिया में रियलमी 3 प्रो था वही वहाँ पे रियलमी एक्स लाइट के नाम से लॉन्च हुआ। लेकिन हम बात करेंगे रियलमी एक्स के बारे में, कुछ ऐसे प्रोज हैं, कौन से 6 कौन से 8 प्रोज हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ें हैं और कौन क्या स्मार्टफोन आपको देता है उस प्राइसिंग में। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक करना, मुझे बताना कि नहीं पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। देखने की बात करें दोस्तों, देखने में तो कमाल का दिखता है स्मार्टफोन, और सच में मेरे हिसाब से अगर 15,000 की बजट में कहोगे तो सबसे बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन्स में एक आता है। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 6.5 इंच का सुपर एमोलेड का डिस्प्ले आता है दोस्तों, सुपर एमोलेड 15,000 रुपए में, जो कि फुल एचडी प्लस का है। इसका रिजोल्यूशन 1080x2340 का, 90% के आसपास 88% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है एंड 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट में दिया हुआ है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है, रियर साइड पे नहीं है। पीछे जाओगे तो पॉलीकार्बोनेट आएगा, तो ये थोड़ा सा कॉन लगा मुझे, पॉलीकार्बोनेट दिया हुआ है एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसलिए बैक साइड पे आपको नहीं मिलेगा। रियलमी की ब्रांडिंग है, तो स्मार्टफोन अगर आप देखोगे तो देखने में सच में बहुत अच्छा लगता है एंड पॉपअप सेल्फी के साथ आता है, तो आपको नॉच कोई नहीं मिलेगा। तो स्मार्टफोन फ्रंट साइड में आपको पूरा डिस्प्ले ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा दोस्तों, तो देखने में सच में स्मार्टफोन बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट है प्रोसेसर। तो पहले 730 का हाइप चल रहा था, मुझे लगता है 730 अगर 16,000 में दे देते ना, 1,000 बढ़ा के 730 देते तो अच्छा होता था, लेकिन वो हाइप इन लोगों ने तोड़ दिया, 710 ही दिया जो कि रियलमी 3 प्रो में आता है। लेकिन 710 भी इस प्राइस के हिसाब से अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है प्रोसेसर 730 से कुछ करना चाहिए था, थोड़ा बढ़ा के प्राइस, लेकिन ठीक है, अच्छा प्रोसेसर है, 710 का प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर, ऐसे बता दूं आपको 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसमें से 8 कोर्स होते हैं, 8 कोर्स में से 2 को 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड हैं, बाकी 6 कोर्स जो है 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड हैं। क्रायो 360 वाले कोर्स हैं, एड्रिनो 616 से साथ आता है, तो GPU गेमिंग वेमिंग सब अच्छे संभाल लेगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। एंड्रॉइड 9 पाई पे बेस्ड है, जो कि कलर ओएस 6 के साथ आता है, तो कलर ओएस 6 यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है दोस्तों, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। यही कलर ओएस 6 जो है अब तो बहुत थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया है, कलर ओएस 5 से थोड़ा अपडेट अच्छा किया है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कलर ओएस फिर भी बहुत सारे वर्क के साथ आता ही है। कैमरा की बात करें तो कमाल की बात कर दी इस बार, क्योंकि इस बार उन लोगों ने सोनी IMX586 वाला सेंसर लेकर आ गए हैं। हाँ भाई, 48 मेगापिक्सल वाला F1.7 अपाचर के साथ, रियर साइड पे देखोगे तो डुअल कैमरा है 40+5 का, जिसमें से 48 वाला जो है वो सोनी वाला ही सेंसर है। F1.7 का अपाचर है, 1 micron pixel का इसका सेंसर का साइज है, तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बुके पैनोरमा बाकी सब कुछ मिल जाएगा। 5 मेगापिक्सल वाला जो है डेप्थ सेंसर, रियर साइड पे आपको सिंगल कलर LED टोन फ्लैश मिलेगा, तो अच्छी चीज़ है, कैमरा में कोई प्रॉब्लम नहीं। 15,000 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अच्छा कैमरा दिया हुआ है। इसके बाद फ्रंट कैमरा की बात करें तो पॉपअप सेल्फी में है, 16 मेगापिक्सल का F2.0 वाला अच्छा सेंसर है, और बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, एक चीज बता दूं, फ्रंट कैमरा में जो सेंसर यूज हुआ है 25 मिलीमीटर का है दोस्तों, वाइड एंगल लेंस, और दोस्तों बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये वही वाला सेंसर है जो OnePlus 7 Pro में यूज हुआ है एंड बाकी सारे स्पेसिफिकेशन भी मिलते हैं, 1080 रेजोल्यूशन के वीडियो निकाल सकते हो, तो बोके पैनोरमा सब कुछ मिल जाएगा, तो अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि OnePlus 7 Pro में जो यूज हुआ है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन यही सेम उसके भी है, तो वही वाला सेंसर यूज हुआ है अगर उस हिसाब से, तो मेरे हिसाब से अच्छा काम किया है इस बार रियलमी ने। बैटरी की बात करें तो 3765 mAh की बैटरी है, तो मुझे लगता है 4000 वाला बैरियर क्रॉस करना चाहिए था, क्योंकि आजकल के टाइम पे यही माना जाता है कि अगर आप 4000 क्रॉस करते हो तो अच्छी बैटरी है, 4000 के नीचे रह गया तो उतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से 4000 दे देना चाहिए था, बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट स्टिल कलर वाइज जो है दोस्तों थोड़ा सा बगी है एंड इशू क्रिएट करता है, तो मेरे हिसाब से 4000 दे दे तो अच्छा होता। उसके साथ आपको वुक चार्ज 3.0 का सपोर्ट मिलता है, जो कि 20 वाट की चार्जिंग है, आपको दे देगा आराम से 3700 mAh की बैटरी, एक सवा एक डेढ़ घंटे मैक्सिमम 1.25 घंटे तक चार्ज हो जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, एक और चीज़ लेके आया है रियलमी, इसमें टाइप सी का पोर्ट, जो कि मेरे हिसाब से सबसे सेटिस्फाइंग देंगे कि चलो टाइप सी भी देने लगे हैं, अभी रियलमी 3 प्रो जो आया था उसमें नहीं दिया था, रियलमी एक्स में दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों ये। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे सेंसर्स में सारे सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, कोई इशू तो नहीं आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन लाइट आपको इशू कर देगा वो नहीं है, क्योंकि फ्रंट के साइड देखोगे अगर डिस्प्ले तो पूरा, तो नोटिफिकेशन लाइट के लिए जगह ही नहीं है, नियर अबाउट 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो था इसीलिए, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जायरोस्कोप एक्सेलेरोमीटर कंपास जायरोस्कोप सब मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और फेस अनलॉक भी अच्छी तरह काम करता है, उसका पॉपअप जो है बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, वो भी लोग बोल रहे थे फास्ट बहुत है,
तो वो अच्छी चीज है, ऐसा नहीं कि बाकी सबकी तरह स्लो हो। चलो, एंड उसका अंडर डिस्प्ले भी बहुत अच्छा काम करता है, मैंने वीडियोस देखे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाकी सारे जितने भी आते हैं उससे, अगर 15,000 के हिसाब से कंपेयर करोगे तो दोस्तों तो अच्छा है, सारे सेंसर्स दिए हैं, सेंसर्स में कोई इशू नहीं है। लास्ट पॉइंट आता है स्लॉट का, वेरिएंट का, प्राइसिंग का। तो प्राइसिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसका, 4GB 64GB जो है वो 15,000 का आता है, 6GB 64GB 16,000 का है, और 8GB 128GB आपको मिलता है 18,000 में। लेकिन प्रॉब्लम होता है इसके स्लॉट में, जो चाइना में वेरिएंट लॉन्च हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये इंडिया में आएगा कि नहीं, लेकिन वहाँ पे जो लॉन्च हुआ दोस्तों उसको एक्सपांड आप नहीं कर सकते, तो ये एक प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से एक्सपेंशन देना चाहिए था क्योंकि इंडिया में इसकी बहुत जरूरत होती है, एटलीस्ट हाइब्रिड दे देते, लेकिन वहाँ पे आप ड्यूअल सिम लगा सकते हो बट एक्सपांड नहीं कर सकते, तो ये एक मेरे लिए बड़ा इशू है, और मुझे लगता है इंडिया में कराएगा तो उनके लिए भी बड़ा इशू होगा इससे पहले कि वो ये चीज़ चेंज कर लें। तो देखते हैं क्या लेकर आते हैं इंडिया में, लेकिन वहाँ पे एक्सपांशन का सपोर्ट आपको दिया नहीं, मतलब मेमोरी कार्ड लगा के आप मेमोरी एक्सपांड नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये 6 कॉन्स थे और प्रोज थे, सारे 8 प्रोज हैं, 6 कॉन्स हैं, काउंट कर लेना या फिर से वीडियो देख कर। हाँ, तो आपको कौन सा अच्छा लगा, कौन सी चीज़ आपको लगती है कि इसमें होनी चाहिए थी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो डील ब्रेकर साबित हो सकती है दोस्तों, वो भी बताइए। कैसा लगा स्मार्टफोन, आप वेट कर रहे हो कि नहीं रियलमी एक्स का इंडिया में, जरूर बताइए। कैसा लगा फोन, कैसा लगा वीडियो, जरूर बताइए। पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक करना, मुझे बताने के लिए पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस है जिन्हें चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो वेक्टर इमेजेस पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।